तिरंगे झंडे के गेटअप में है। जोरदार तालियां इन बच्चियों के स्वागत के लिए। सर्वप्रथम हम सुनते हैं संस्कृत भाषा में हमारे इस संविधान की विशेषताओं के बारे में। संस्कृत जो कि जननी है हिंदी भाषा की और संस्कृत के जनक पाणिनि ही माने जाते हैं, तो एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत इन बच्चियों का और सुनते हैं संस्कृत में एक भाषण। वंदे मातरम नमः तिरंगे, अत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः मम विनीत प्रणामः। मम नाम प्रीति सिंह, अहम शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय नाम विद्यालय सप्तम कक्षायां पठामि। समादरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य महाभागा, प्रातस्मरणीय विद्वांस गुरु, प्रिय ग्रामवासिनः, मम भ्रातृ भगिनीश्च, अहम गणतंत्र दिवसस्य उपरि किंचित् वक्तुम् इच्छामि, तत्र काचित् त्रुटि स्थापयेताम्। सर्वप्रथम सर्वेषां कृते गणतंत्र दिवसस्य हार्दिक शुभाशा। यथा भवन्ति सर्वे जानन्ति एव यत् प्रतिवर्ष जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के अस्माकं भारतदेशे गणतंत्र दिवस समारोह समायोज्यते, यतो हि अयं दिवस अस्माकं भारतदेशे अतीव महत्वपूर्ण अस्ति। पंचाशत अधिक एकविंशति तमे ख्रिस्ताब्दे जनवरी मासस्य षड्विंशे दिनाङ्के अनेक शताब्दी परतन्त्रयाद् अनन्तरम् अस्माभिः स्वतन्त्र भारत राष्ट्रम् गणतन्त्रम् उद्घोषितम्। अस्मिन्नेव दिने भारत राष्ट्रस्य स्वकीय संविधानम् स्वकीय शासन प्रणाली च स्वकृता। तस्य महत्वपूर्ण दिवसस्य स्मृतो तस्यात् दिनान्तारम्भ अध्यर्पणतम्। प्रतिवर्षम् एतत् दिनं गणतंत्र दिवस रूपेण राष्ट्रपर्व रूपेण वायोजते। अहम् उत्सव प्रजा राज्योभ्य गणराज्योभ्य इत्यापि उच्यते, यतो हि इदं प्रजाभिः प्रजाभ्यः प्रजानाम् एवं शासनं भवति। सर्वेषु अति उत्साह अद्भुत आनंद देशभक्ति भावना च दृश्यते। सुखदेव महात्मा गांधी, लाला लजपत राय, चाचा जवाहरलाल नेहरू देशभक्ता योगदानम अस्ति। अन्ते मम अभिलाषाया हिंदी भाषाया वक्तु इच्छामि यत् दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसे ही उज्जवल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान, ऐसे ही उज्जवल रहे मेरा प्यारा हिंदुस्तान। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। जी, और बहुत हमारे देश के बहुसंख्यक लोगों के द्वारा बोली भी जाती है हिंदी भाषा का अपना महत्व है। इसीलिए तो कहा गया है कि राष्ट्रभाषा हिंदी अनमोल, हिंदी में लिख हिंदी में बोल। तो चलिए सुनते हैं हिंदी में इस गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर एक भाषण। जोरदार तालियां कक्षा 8वीं से विजया राजौड़े के। शहीदों का सपना जब सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। शहीदों का सपना जब सच हुआ हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। मेरा नाम विद्या राजवाड़े है, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मैं गणतंत्र दिवस पर एक भाषण प्रस्तुत कर रही हूँ। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा देश गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मना रहा है। यह हमारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है। इस पावन अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त सन 1947 को हमारा देश ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ था। आजादी के बाद हमारे देश को सही तरीके से चलाने के लिए कोई नियम और कानून नहीं था। उस समय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नेतृत्व स्थापित समिति द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों के अथक परिश्रम के बाद अपना सशक्त संविधान तैयार किया। हमारा संविधान विश्व भर में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस संविधान ने हमें अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने की ताकत दी है। हमारे देश को गणतंत्र और स्वतंत्र बनाने के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। उन सूरवीरों को आज हम दिल से याद करते हैं, क्योंकि उन्हीं के कारण आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। अपनी मातृभूमि के लिए वे सदा मर मिटने को तैयार हैं। हम भारतवासी उनको सलाम करते हैं। मैं अपनी वाणी का विराम एक चंद पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। पानी में आप कोई लगा नहीं सकता, कि पानी में आप कोई लगा नहीं सकता, और हम हिंदुस्तानियों से कोई आप मिला नहीं सकता, और हम हिंदुस्तानियों से कोई आप मिला नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अब चलिए चलते हैं हमारी
दूसरी भाषा, दूसरी अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी की ओर। कैसे तो देश का हर नागरिक अपने बच्चे को अंग्रेजी में बोलना व पढ़ना सिखाना चाहता है, और आज के इस शुभ अवसर पर यदि हमारे इस गणराज्य का बखान अंग्रेजी में ना हो तो अधूरा ही लगेगा। तो आइए हम सुनते हैं कक्षा सातवीं की कुमारी जैनब के द्वारा अंग्रेजी में इस गणतंत्र दिवस का बखान एक भाषण के द्वारा। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज जैनब अंसारी। टुडे आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू टू डिलीवर अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल हु आर प्रेजेंट हियर अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। Today, we all are gathered here to celebrate the 74th Republic Day of our nation. On 26th January 1950, our country got its constitution. We got our independence on 1947 from British rule. However, the constitution, India come into force on 26th January 1950. Since then, we celebrate Republic Day every year. Republic means that the citizen of the country hold the supreme power from elect representative. Constitution give all of us the same right to speak any difference of religions, color or language. In the past 14 years, our country has gone through many change. The command of the country into the hands of the people and India become a democratic country along with lots of development. There are some petals that have come also in the way. Unemployment and corruption has grown up very fast. We shall take to place fun solution to this problem so that our counter become the best place live on earth. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Hind, Jai Bharat.